यूरोपीय देश इटली और जर्मनी में भी कोरोना का विस्फोट। इटली में 70,520 नए मामले आए सामने। इटली में एक दिन में कोरोना से 143 लोगों की गई जान। जर्मनी में भी 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले आए सामने। नमस्कार साथियों, बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्रों के लिए काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। 2023 की बोर्ड की परीक्षा में अब कुछ ही समय शेष रह गया है दोस्तों। लगभग सभी विद्यालयों की जिन विद्यालयों में अभी ठंड की छुट्टियां चल रही थी, अब सभी विद्यालय सुचारू रूप से फिर से पुनः चालू हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, बहुत जल्द आप लोग के विद्यालय में अगर प्री बोर्ड की परीक्षा चालू नहीं हुई तो एक हफ्ते के अंदर आपके प्री बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। वहीं आपको बता दें, 2023 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जिन राज्यों में परीक्षा मार्च में होने वाली है, उन राज्यों की प्रैक्टिकल की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही शुरू होने वाली है। उसके बाद उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, इस बार आपके रिजल्ट में कोई देरी नहीं होने वाली। मई के लास्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट 100% कंफर्मेशन के साथ रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अपने राज्यों की। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। 2023 बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम 2023 न्यूज टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।